Your time starts now. I stand here today knowing that my story represents a larger Indian story, a story that talks about resistance and a fight for justice. मैं Ngurang Reena, 26 साल की लड़की अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से आपके सामने एक ज्वाइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट NSUI की तरफ से हाजिर करती हूँ. मैं एक साधारण सा स्टूडेंट था. अ वेरी नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ आई वॉज लिविंग. एक हाथ में PhD कर रही थी और दूसरे हाथ में एक बहुत अच्छा एक नौकरी थी. 17th November 2017 my life fell apart. My father was murdered. My father was politically murdered in Arunachal. तब से लेके आज तक एक साल होने को है, मैं एक संघर्ष लड़ रही हूँ अकेली, अकेली. सब कुछ कर लिया एक बेटी होने के नाते. Writing letters to the Prime Minister, to the President, to Kiran Rijiju, to the CBI Director. I approached the media houses asking them if they will take up my story from the notice. They said, no, you are a JNU student, hum nahi lenge. Your father was a political man, I will not take up your story. I am asking India today, am I not part of the country that you think I am futile? You think I am not part of the country and you will not take up my story? I quit my job to pursue this, only this. Similarly, in campus, I have observed, you have observed, we all have observed for the longest time how this campus politics works and how political parties work here. I have approached so many friends and activists from various parties, you know who you are, to take up my issue, nobody took up. And I am very, very ashamed that I am part of a JNU that does not talk about issues like this. बहुत सालों से देख के आ रहे हैं हम लेफ्ट को, जो हम भी खुद सिंपथाइजर रहे हैं. दिस इज माई 7th ईयर इन JNU एंड माई 12 ईयर्स इन दिल्ली. अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग आई एम ए न्यू फेस टू JNU SU. यस इंडीड आई एम, बट आई हैव बीन अ 12 ईयर्स ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन इंडिया एंड 7 ईयर्स आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ पोलिटिकल एक्टिविज्म द JNU दैट यू एंड आई टॉक अबाउट. लेफ्ट, आपको हमने मैंडेट दिया इतने सालों तक, स्पेशली इन द लास्ट 4 इयर्स. माय ओनली कंसर्न एंड अपील टू यू इज, व्हाई डिड यू गिव इन टू द राइट विंग फासिस्ट फोर्सेस? व्हाई डिड यू गिव इन टू दोस ड्रकोनियन फोर्सेस दैट दिस कैंपस इज नॉट गुड फॉर? व्हाई एम आई साइनिंग अटेंडेंस टुडे? व्हाई इज GS कैश गॉन? एट द सेम टाइम, इन द मोस्ट रिसेंट ईयर्स आप लोग सभी ने देखा है कि ABBP और BJP द्वारा सपोर्ट किया ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ JNU इज डिस्ट्रॉयड. एवरी एस्पेक्ट. आफ्टर मंथ्स ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, बहुत सोचने के बाद मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है आज JNU SU में आने के लिए. और मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि एक साल के दौरान जो मैंने एक फाइट जो मैंने उठाया है, I realize that as a common citizen in this country, nobody listens to you. I almost gave up. Then when I thought of giving up, मैंने सोचा आज मैं अगर अपने लिए न्याय लड़ूंगी तो मेरे लिए कौन लड़ेगा? With the same spirit that I fought as a daughter for my father, I promise that same spirit and with double the conviction, I will fight for the students in this campus. The campus that is dying, the campus that is decaying in the wrong hands. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बातें तो ये है कि मैं एक PhD स्टूडेंट हूं, फाइनल ईयर में होने को है, एक सिंगल रूम तक नहीं मिलता है, सालों साल लग जाते हैं हमें, क्यों? सेकेंडली, मैं गोदावरी हॉस्टल में 6 साल से रह रही हूँ, 12 महीने से बस 3 महीना रेगुलर पानी आता है, उसको कौन ठीक करेगा? मैं सुबह उठती हूँ, पानी नहीं हूँ. मैं सेंटर जाती हूँ क्योंकि अभी हमारे सुपरवाइजर को हाजिरी देना पड़ रहा है. वहां पहुंचती हूँ दूसरे सेंटर में, वहां वॉशरूम जाती हूँ, पानी नहीं है. मैं 5 फुट का हूँ लेकिन मेरा बकेट जो वॉशरूम में है 6 फुट का है लेकिन पानी नहीं है. मैं मग लेती हूँ दूसरे वॉशरूम से लेने के लिए पानी, वापस आते आते दिखता है कि
कि वो पानी खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि वो मग में इतना बड़ा जो छेद है। उस दिन जब साबरमती दावा में 8 सितंबर को मेरे साथ एक हैरेसमेंट हुआ, एक लड़का जो खुलम खुला जेएनयू जैसे कैंपस में वो स्पेस में मुझे हैरेस किया जहां एक पॉलिटिकल डिस्कशन और डिबेट के नाम पे हम जाने जाते थे, तब मुझे बहुत शर्मिंदा हुआ कि ये कैंपस है जो जेएनयू है, जो मुझे 6 साल से जाना था, आज वो खत्म हो चुका है। वेयर इज दैट स्पेस? आई एम आस्किंग ईच ऑफ यू, वेयर इज दैट स्पेस नाउ? उसी दौरान अगर जीएस कैश जैसे इंस्टीट्यूशन होता, आई वुड हैव रिजॉल्व माय ग्रीवेंसेस इन द कैंपस इंस्टीट्यूशनली, बट यू नो व्हाट आई हैड टू डू? आई हैड टू रन टू वसंत कुंज पुलिस स्टेशन, आई हैड टू गो टू अ वेरी स्पेसिफिक मैकेनिज्म कॉल्ड स्पेशल सेल फॉर नॉर्थ ईस्ट वुमेन। व्हाई इज दैट व्हाट वी हैव बीन रिड्यूस टू? वेयर इज जीएस कैश टूडे? At the same time, this man ridicules me and mocks me for my intellect because I am from a certain identity, an identity that is from a marginalized section. और तो और सबसे गम की बात यह है कि वहां जितने सारे एक्टिविस्ट करे थे, आपको पता है आप कौन है, 30-40 लोग वहां खड़े थे, किसी ने आके मेरा साथ नहीं दिया जब एक लड़का मेरे साथ गुंडागर्दी कर रहा था वहां। आप कहां थे? यू आर टॉकिंग अबाउट मार्जिनलाइज सेक्शन एंड देयर अपलिफ्टमेंट्स, वेयर आर यू? आई एम आस्किंग टूडे, डू नॉट डू जस्ट लिप सर्विस, इट इज टाइम टू एक्ट। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, आज हम बड़ी ही दुख की हालात में है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को हमें बचाना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो एक एंटी स्टूडेंट बन चुका है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, दिस कैंपस इज नॉट अ लेफ्ट लेड जेएनयू, दिस कैंपस इज नॉट अ राइट लेड जेएनयू, दिस इज अ यूनाइटेड जेएनयू वेयर यू एंड आई एज नॉर्मल रेगुलर सिटीजन्स एग्जिस्ट। लेफ्ट और राइट बाइनरी के चक्कर में हमारा जो मुद्दा है वो खत्म हो चुका है। और आज मैं इतना ही आपको विनती करूंगी कि आप अगर आज नहीं सोचे तो कल बहुत लेट हो जाएगा। एंड टुमारो, टुमारो आने वाले पीढ़ी हमसे ये पूछेंगे कि भाई और बहनों, भैया और दीदी, आपने क्यों हमारे लिए संघर्ष नहीं किया? तब हम क्या जवाब देंगे? दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, प्लीज चूज योर यूनियन wisely so that we can save this campus. Please, madam, thank you. Please, your time is over. Audience, please settle down. Your time starts now. Miss Reena, a person from outside is leading your campaign for the elections in JNU. My question to you is, how can we be sure if you win, you will work independently for the interest of the JNU students without any interference from outside? Friends, I would like to tell you this. For the 12 years of my activism in India, I have never required a certificate to be labeled as an activist. I have done this independently and I have always voiced for things that are wrong, transcending beyond political party affiliation. I have never done it. I have always stood independently. And if you are saying outsiders are coming to help me, can I remind you, when I was fighting my fight for honesty and justice, these are outsiders who are coming and helping me regardless of political affiliation, and today they have become part of my family. And this I thank you, because whatever you fight with honesty, you will always attract good people, and these are good people who are helping me today to win my fight. Going to the second part, I stand here as a student first. I stand here as a student who knows the issues of student. I stand here as a person living in a hostel with no good condition. I stand here as a PhD scholar not having enough resources, not even having good scholarship. I stand and represent them first. I stand here as a woman in India where we are considered a secondary gender. I stand here understanding women issues, which again I don't need a political affiliation first to voice my issue. Third, I stand here as a woman from a marginalized section where in the entire context of India we have always been sidelined.
We have always been sidelined in the JNU campus also. We have used and over and over been used as a token. Few of my comrades here have said that they have not used. You tell me, in all the political party in JNU campus, how many of us have held a good position? You tell me. How many of you have raised the issues that concern us? Recently, when the ABVP organized an event where the three chief ministers of Arunachal, Assam and Manipur were there, ABVP colored our honest protest. They said ki hum left wale hain. Left wale ne bhi yehi fayda uthaya aur phir se in JNU once again we have been sidelined. This is not fair and this cannot happen again. Therefore, with my honest appeal, I stand here today as a student first and then later as whatever political party I come from, and I will fight independently for all the wrong reasons that I have fought for 12 years in my life. Thank you.